क्या पढ़ना था? जे जे थॉमसन, बोर 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 बोर, ठीक है। अबे शोर नहीं करो भाई, गरीबों की तरह यार। बोर्स मॉडल, ठीक है भाई। रदरफोर्ड का नाम ले लिया गया था, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन 10^-11 सेकंड के ऑर्डर के टाइम के अंदर न्यूक्लियस में समाप्त गिरकर समाप्त हो जाएगा, तो प्रलय बहुत जल्दी आ रही थी तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई साहब 1 सेकंड तो अभी हो गया, आपका मॉडल दिए हुए तुम्हारा 1 सेकंड हो जाता है, समझ नहीं रहे हो तुम। उतनी देर में 10^11 प्रलय आ जाती है अगर बोर का मॉडल उसका रदरफोर्ड की बात मान लेते तो। हाँ अच्छा, देखिए बोर ने, देखिए एक बहुत बोर का एक दोस्त था प्राइमरी स्कूल टीचर जिसका नाम था बामर। क्या नाम था इसका? बामर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, है जी। बामर सीरीज दी थी इन्होंने ना, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज हो चुकी थी, ठीक है। लोगों को पता था कि हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या वेवलेंथ इनकॉर्पोरेटेड है, कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, ठीक है। तो ऐसे 4 वेवलेंथ का डाटा बोर ने अपने दोस्त बामर को दिया जिसको मैथमेटिक्स करने का थोड़ा शौक था, और उसे कहा कि ऐसे 4 ये जो आपके डाटा ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ इनमें अगर आप कोई रिलेशन ला सकते हो तो कोई रिलेशन लाओ। तो उसने उन 4 नंबर के बेसिस पर बनाई बामर सीरीज, उसने कहा इनमें ये रिलेशन फॉलो करेंगे ये, ठीक है। जब बामर सीरीज बोर के पास आई तो उसने कहानी गढ़ी, उसने कहा ठीक है। उसको ये पता था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन निपट जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन निपट जाएगा और इलेक्ट्रॉन को बचाना था उसे। तो उसने कहानी सुनाई लोगों को कि देखो न्यूक्लियस में मास तो है, ठीक है, अपनी जगह पर चार्ज भी है। फिर उसने एक कहानी गढ़ी कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये राज है, ये राज है, ठीक है। तो उसने आप उसने एक कहानी गढ़ी, कौन सी कहानी? स्टेशनरी ऑर्बिट। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट की कहानी का आधार उसको कहां से मिला था? बामर सीरीज से, ठीक है। उसने इस कहानी को, ऐसा नहीं था कि ये इसको कुछ आता नहीं था, लेकिन इसको भी कुछ आता था, अगर ये ना होता तो ये ना होते, ठीक है। तो बामर ने जो बामर सीरीज दी थी उसके बेसिस पर उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगाया कि एक लॉ फॉलो जरूर होगा, इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा अगर बामर की बात सच है तो, अगर बामर की बात सच है तो उसने कहा ये लॉ फॉलो होना चाहिए, और अगर ये लॉ फॉलो होगा तो उसने फिर उसके बेसिस पर कहा कि भाई साहब ये कहानी फॉलो करेगा स्टेशनरी ऑर्बिट, और यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। लोगों ने बहुत पूछा कि कहां से क्या क्या, बोले बताएंगे नहीं भाई साहब, ये तो सीक्रेट है, सीक्रेट, ठीक है। अच्छा अब ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट की बात आ गई कि भैया इस इनके ऑर्बिट में जब चलेगा, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। उसको पता ही नहीं था तो कैसे बताएगा, ये तो उसने वहां से निकाला था जुगाड़ से, ये रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है, कुछ नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई ना। तुमने 4 डाटा लिए उसके सेटिस्फाई करने के लिए, इक्वेशन बना दी और बोल दिया कि ये नहीं करता रेडिएट, लोग कहेंगे अच्छा तो बेइज्जती कराने से चुप रहो, बता दो कि सीक्रेट है भाई साहब, हमारे खुफिया एजेंट ने बताया। हाँ ये नहीं पता था उसको कि ये कहाँ से आया, ये उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ये रिस्क पर था कि अगर बामर गड़बड़ हुए तो वो भी गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा अभी मौका अच्छा चिपका दिया जाए, ठीक है। एम वी आर इज इक्वल टू NH2π, एम वी आर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, क्या कहलाता है ये? एंगुलर मोमेंटम। उसने एक बड़ी खास बात की थी, पहली बार क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात आई थी कि अभी जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा इट कैन मूव इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो ये क्वांटाइजेशन बोहर क्वांटाइजेशन भी कहलाता है, बड़ा फेमस हुई थी ये लाइन कि ये इन्होंने ऐड की है। खैर दूसरी बात वही रदरफोर्ड वाली कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आर रेडियस सर्कल में घूमेगा
तो यू कैन से दैट एम वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बैलेंस बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इनके पास दो लाइनें आ गई और पूरी बोर थ्योरी इन्हीं दो लाइनों पर डिपेंड करेगी। पहली इक्वेशन क्या है, फोर्स इक्वेशन जो कि हर जगह लगेगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये दूसरी लाइन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इन दो लाइंस के बेसिस पर आप पूरे बोर मॉडल पर सवाल बनाते रहते हो, करते रहते हो। ठीक है, अभी जैसे वो कई बार पूछता है कि यार वेलोसिटी का जो है वो ये एन क्या है, एन हाँ क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, और बिट की नंबर है ये बेसिकली। जैसे एन इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू 2 का मतलब 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें कोई इश्यू थोड़ी है। अभी इसमें देखो क्या है कि इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आप मुझे वी का रिलेशन बता पाओगे, कैसे बताएंगे हम, बता दूं क्या मैं, ये आप लिख सकते हो एम वी स्क्वायर, यहां पर मैंने आर से इस आर को उड़ा दिया, तो एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एम वी आर की वैल्यू आ जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई, एंड इफ यू विल डिवाइड दिस टू इक्वेशन यू विल फाइंड रिलेशन इन वी। तो वी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, सी बाई 137 जेड बाई एन, वट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये नहीं सुना तुमने, 0.? हाँ, इसमें डिवाइड कर ले, हाँ तो क्या आ जाने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुन लो मेरी बात, अभी देखो क्या है कि बोर मॉडल में वो ये सवाल पूछ लेते हैं कई बार, और ये बड़ा फेमस और बड़ा कॉमन सवाल है, मैं ये हटा रहा हूं सब, अरे कुछ नहीं आइटम था। वेलोसिटी का फंक्शन याद रहेगा जेड बाई एन है, सी बाई 137 भी कौन पूछता है, आज तक तो मैंने कहीं कोई सवाल नहीं देखा, वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन ही का यूज होता है बस, है ना, इसके अलावा कुछ थोड़ी यूज होता है। तो अच्छा, अभी इसी तरह से रेडियस की वैल्यू निकालोगे तो आएगी आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, और ये आर नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसमें भी कोई इश्यू थोड़ी है, अरे भाइयों जाग रहे हैं सब लोग, ठीक है। मुश्किल है क्या, नहीं। अच्छा सर सुनो, अभी अगर मैं आपसे कहूं कि nth ऑर्बिट में जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ तो क्या बताओगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू बताओ जल्दी से, यहां से बता दो एम वी स्क्वायर की वैल्यू, यार ये आ जाएगी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अरे आ जाएगी, और 1/2 छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताओ, -1/4, माइनस कहां से आ गया, नहीं लगा रहे हम, ये माइनस ई अपॉन आर, अब आ जाएगा माइनस, एक चार्ज सेंट्रल चार्ज जो न्यूक्लियस का है वो पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। टोटल एनर्जी बताओ, दोनों को जोड़ देंगे इनको, मैं कुछ बताता जा रहा हूं आप लोग सुनते जाइएगा, टोटल एनर्जी जो होती है वो, टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होती है। इसमें कोई ये बात याद रखिएगा, ये बात ग्रेविटेशन में भी लागू होती है, सैटेलाइट के लिए भी, ठीक है। हाँ मुझे सवाल दिखाओगे तब मैं कुछ कमेंट करूंगा, टिप्पणी करूंगा, ऐसे क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं ज्यादा कहानी को नहीं खींचता हूं। अच्छा आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो क्या, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताओ क्या होता है, कहां से आएगा,
टू पाई आर बाई वी से आ जाएगा, आर की वैल्यू एफ प्रोपोर्शनल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड एंड वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये बात मैं आपको बता रहा हूं बार बार के ये सवाल पूछे जाते हैं। टाइम पीरियड में उसका उल्टा कर दो, ठीक है? हाँ बोलो, उल्टा कर दिया मैंने। अरे यार तुम लोग ढंग से देखते नहीं हो, ये इनवर्स लगा हुआ है इसमें। हाँ नहीं नहीं काम मिस्टेक खत्म, चलो आगे बढ़ते, ये बात याद रहेगी सबको। चलो आ जाओ, अब देखो जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं उनको मैं यहां लिखूंगा और सारे लोग ध्यान से लिखिएगा। ये है न्यूक्लियस जेड ई प्लस, ये हाइड्रोजन है तो केवल ई प्लस। कौन है ये? मैं जेड ई प्लस ही लिख देता हूँ, नहीं नहीं मैं हाइड्रोजन ही लिखता हूँ। अभी देखो क्या है कि इसकी ऑर्बिट ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट हैं, लेकिन मैं ऑर्बिट्स ऐसी दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके ऑर्बिट बना लेंगे और बना लेंगे। ये एन इज इक्वल टू वन पर एनर्जी कितनी होती है? -13.6, -3.4, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे सुन ले बे, अभी इधर देखो ये डाटा तो याद ही है सबको, लगभग सबको याद है। तुम सुनाओ, खड़े हो के सुनाओ। नीली टी शर्ट वाले से बोल रहा हूँ मैं, खड़े तो अपने पैरों पर खड़ा होना भी भूल गए क्या बे? सुनाओ इसको, पढ़ो क्या है। पॉइंट एट फाइव, आगे कौन पढ़ेगा? हाँ? आगे आगे ना है? दोबारा से पढ़ो। 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 0.54, 0.38। हाँ लिखा है, फिर से पढ़ो। 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 0.54, 0.38। याद हो गया? सुनाओ भाई। 13.6, 3.4, हाँ उसकी तो सुन लेंगे यार। 3.4 के बाद 1.5 भाव, 0.85, 0.54, 0.38। याद हो गया तुम्हें? 13.6 याद ना हो रहा? हो गया याद? सुनाओ। हाँ हाँ बीच में तुम टाप ले रहे हो इधर से। हाँ 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 खा गया भाई बीच में सीधा 0.38। देख लो एक बार और, अभी बीच में पूछूंगा मैं तुमसे दोबारा। और बाकी लोगों को याद हो गया? ठीक है, अभी सुन लो यहां पर। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स के सवाल लोगों से गलत सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ये डाटा याद नहीं रहता। और आपको मैं बता दूं कि इसको आप कैलकुलेट करने का आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है? नहीं तो मैं ये डाटा लिख दूं, मेरे को क्या है? मैं मान लूंगा कि आप याद कर लोगे, लेकिन मुझे पता है जब तक ये डाटा याद नहीं होगा आपसे सवाल नहीं होंगे, ठीक है? अभी इधर देखो, इसका गैप होता है 10.2। हाँ क्या आगे 12 पॉइंट कुछ नहीं लगाएंगे यहां पर, 12.1 12.75 ठीक है। ये वाला गैप बताओ 1.9, ये वाला गैप बताओ
आप भाई 1.9 से तो ज्यादा ही होगा ना, 4.4, 2.55 पक्का। टू पॉइंट पक्का। देखो ये नंबर अगर आपके सामने होंगे ना, आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का सवाल आएगा, वो कहेगा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदा, वो नंबर दिखाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। फिर वो कहेगा पहली ऑर्बिट बताओ, आखिरी ऑर्बिट बताओ, दिमाग खराब हो जाएगा कैलकुलेट करते करते। लेकिन जिसको 2.55 दिख रहा होगा उसको तुरंत रिकॉल करेगा कि अच्छा यहां कहीं था, अभी ढूंढ लूंगा, और यही कॉन्फिडेंस आपके सवाल करवाएगा। और अगर आपको डाटा उल्टा, ये डाटा ये नंबर देखेंगे ना, दिमाग कहीं का कहीं उड़ जाएगा। ये नंबर ये आपको दिखने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्टली सारे डाटा याद हों, लेकिन अगर आप इनको 2-3 बार ढंग से देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि यार 2.55 था इधर पर, यहाँ कहीं था, तो फिर आप उसे खोज लोगे। और अल्ले पल्ले ही नहीं पड़ रहे 2.55 कहाँ है, कौन किसमें से किसको घटा घटा के कौन चेक करेगा। ऑप्शन से फिर वहां ऑप्शन ना रहे कम तो फिर क्या होगा। ठीक है मेरी बात सुनो। देखिए बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रिसाइड करेगा। और क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी टोटल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? टोटल एनर्जी है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 27.2, इसकी डबल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिला के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी है। अब ये जो इसके ऊपर वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, और कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोहर ने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहेगा, लेकिन अगर इसको कुछ फोटोन, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दे दी जाए तो ये अपनी इनिशियल एनर्जी स्टेट E1 से किसी दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, तो अभी अगर वो कहेगा कि भाई ये क्या करेगा, यहां से एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और इसकी एनर्जी बढ़ी और ये मान लो इस ऑर्बिट में जा सकता है, तो अगर H nu की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, इसको कौन सी स्टेट कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में जाएगा? क्वांटम स्टेट 2 या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? क्वांटम स्टेट 2 या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये तो पता है ना सबको। ठीक है, मेरी बात सुनते रहिएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में जा सकता है, और अगर उसको आपने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन दिया, अगर आपने इसको 12.1 कितना था, 12.1 ही है ना, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन दिया तो ये कहां जा सकता है? तो आप कहोगे भैया तब ये यहां भाग जाएगा, समझ गए? अच्छा, लेकिन अगर आपने इसको 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन दिया तो क्या होगा? तो ये प्रोटॉन लेगा नहीं, तो ये प्रोटॉन लेगा नहीं। अच्छा फिर से एक बात सुनो, बोर ने एक बात और कही थी कि जब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएगा और सीधा इस ऑर्बिट में प्रकट होगा। बीच में ये कहां होगा किसी को नहीं पता। ऐसा पता नहीं ना, बता तो रहे, किसी को नहीं पता। जो चीज नहीं पता वो कैसे बताए? बता दिया पहले कि नहीं पता, कहना बताना पड़ेगा आपको भाई साहब, अब तो कैसे बताएंगे? अरे ये बोर ने बताई थी, उसको पकड़ो, फिर से दोबारा सुन लो। श्रोडिंगर है यार वो। ठीक है सुनो, दोबारा सुनो।
अभी अगर इसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ही केवल एब्जॉर्ब करेगा, ये उतना मिनिमम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिससे ये जंप करके हायर ऑर्बिट में जा सके, उसके अलावा किसी भी दूसरे फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो उसे उसकी स्टेबल ऑर्बिट में ना ले जा पा रहा हो। तो ऐसा फोटोन अगर जो इसको इसके ऊपर वाली ऑर्बिट में ना ले जा पाए, ऐसा फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, वो एज इट इज पार हो जाएंगे, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था कि जब लाइट व्हाइट लाइट को गुजारते हैं हाइड्रोजन से, तो हम क्या देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर फोटोन ही एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही गायब होती है। वो गायब क्यों होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो ऊपर जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, बाकी के नहीं एब्जॉर्ब करता, तो बाकी के एज इट इज दिख जाएंगे वहां पर, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया। इमिशन स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा था कि जो इसने एब्जॉर्ब किया उसके अलावा इसने इमिट भी किया, अरे किया ना यार, किया। अभी मान लो अगर आपने यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अभी यहां पर ऐसे करके कि ऊपर के ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इसने कोई एक पर्टिकुलर प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, तो ये मान लो यहां पहुंच गया कि नहीं, लेकिन वो स्टेट अनस्टेबल स्टेट है अभी इसके लिए। क्यों है अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि वहां पर रिलेटिव एनर्जी इसकी ज्यादा है और ये अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसके पास नीचे आने के ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ये है डायरेक्ट कूद जाओ, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है। तो अभी एक पर्टिकुलर प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, एक और रह गया क्या कोई, अच्छा ये भाई सब रह गए, कोई बात नहीं, तो फिर तो यहां भी रह गए होंगे यार, यहां भी रह गए, टोटल बन गए अब। तो अभी अगर मान लो इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, तो कितने तरह के प्रोटॉन निकाल रहा, क्या ये जो जितने एनर्जी का प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया था क्या उतनी एनर्जी का प्रोटॉन इमिट कर रहा है, हाँ कर रहा है ना, ये आई तो कर रहा है, क्या उससे कम एनर्जी के प्रोटॉन भी इमिट कर रहा है, अच्छा तो इसका मतलब उससे ज्यादा जो है जिस वेवलेंथ का प्रोटॉन इसने एब्जॉर्ब किया था उससे उतने वेवलेंथ का प्रोटॉन तो इमिशन एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम में मिलेगा ही, उससे ज्यादा वेवलेंथ का भी मिलेगा, कम वेवलेंथ का नहीं मिलेगा, अगर ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो किसी ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन था जो कि क्वांटम स्टेट 1 N1 से कहां चला गया, क्वांटम स्टेट कौन सी है 2 3 4 5, ठीक है, तो जब ये वापस लौटेगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम में कितने तरह के वेवलेंथ मिलेंगे, 10 मिलेंगे। आप बोलोगे देखो 5 से 1 आए, कितने मिले, 4 3 2 1 इतने मिलेंगे, 5 से मिलेंगे 4 ट्रांजिशन 4 से मिलेंगे 3 ट्रांजिशन 2 से मिलेगा 1 ट्रांजिशन 3 से मिलेंगे 2 ट्रांजिशन, तो टोटल ट्रांजिशन हो गए 5 3 2 1। अब इसकी जो वैल्यू आप लिखते हो लिख लो, N (n-1/2) लिखते हो क्या, +1/2 -1/2, इसमें n क्या है, मैं नहीं लिख रहा, मेरे को क्या करना है, मेरे को जोड़ना आता है वैसे ही, जैसे मान लो NC2, अच्छा सुनो तो तुम लोगों को जो भी आता हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनते रहना बस, मैं अभी पूछ रहा हूं कुछ आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। इधर देखो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, सुनते रहना सारे लोग, ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं, यहां पर क्वांटम स्टेट है 32, यहां पर क्वांटम स्टेट है 61, अभी इलेक्ट्रॉन के सारे ट्रांजिशन होंगे, ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू स्टेट्स बताओ, थर्टी टू से सिक्सटी वन, 10 नहीं आएगा भाई, बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा मैं आपकी गरीबी का ध्यान रखते हुए इस नंबर को लिख देता हूं 37, ले कम कर दिया 37, अब तो बता दे, अब आएगा आंसर 5 4 3 2 1, ये 10 कब से होने लग गए,
अब मेरी मेरी बात सुन लियो, ये मैंने कहां से लिखा, ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा। अरे इधर देख लो, इधर कोई भी सवाल पूछेगा मैं बता दूंगा। ये पांचवी ऑर्बिट है, ये पहली ऑर्बिट है, 5-1 4-3-2-1 बात खत्म। ये ऑर्बिट है 37, ये 32, 37-32 5-3-2-1 बात खत्म, सिंपल। अरे जोड़ लोगे कि ना जोड़ पाओगे, क्या मिटा रहा मैंने, इसके पहले कुछ था, ठीक है। हाँ एक से क्या बेटा, ये सब मिलेंगे ना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, उसके पॉसिबल इमिशन बता रहा हूं, संभावित क्या क्या संभव है। एक एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही करेगा, दो लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके थोड़ी एक्सपेरिमेंट होता है। अरे चैम्बर में जब आप स्पेक्ट्रम बना रहे होगे तो चैम्बर में आपके पास एक एटम का गैस छोड़ोगे, वो इलेक्ट्रॉन उसको, ठीक है इसको तो मिटा दें ये वाला। नहीं लेता नहीं, नहीं देखो सुनो दोबारा से, ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसकी पहले वाली एनर्जी और ये जो इसने एब्जॉर्ब की, ये दोनों एनर्जी को अगर आप आपस में जोड़ दो तो इसकी एनर्जी अगर इस स्टेट की एनर्जी के बराबर आ रही है तभी ये एब्जॉर्ब करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर इससे थोड़ी भी कम या ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, वो कहेगा बस निकल लो, समझ गए बात। ये इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा जिससे ये अपने से ऊपर वाली ऑर्बिट में जा सके, और इसके अलावा अगर कोई और एनर्जी आप इसको दोगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। है? कुछ बोल रहे हो तो बोलो, हाँ कुछ भी नहीं बोल रहे, मिटाएं इसको। हाँ जी, ट्रांजिशन हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है, घबराने की कोई बात तो नहीं। अच्छा फिर से सुन लो, इधर देखते रहना भैया जी, घबराना नहीं, इधर देखते रहो, नजरें इधर से हटाना मत। ये है क्वांटम स्टेट 1, क्वांटम स्टेट 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुन लो, इधर सुन लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये मैं हाइड्रोजन अगर लूंगा तो जेड की वैल्यू क्या ले लूंगा, 1। इस स्टेट की टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए वो कई बार आपसे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें पूछेगा, मैं उनका रिवाइज करा देता हूं। जैसे वो आपसे बोलेगा व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स स्टेट, तो आपको इसको एक इतना एनर्जी का प्रोटॉन देना होगा, ये एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, इन्फिनिटी पर। और अगर आपने इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी प्लस में तो ये पक्का इन्फिनिटी पर चला जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो भी ये जाएगा, बट 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। That minimum energy required to remove electron from its orbit is called ionization energy. So what is ionization energy here? Plus 13.6 electron volt. अच्छा लेकिन दोबारा सुनो, अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ये एच न्यू की वैल्यू 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो क्या ये इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा? करेगा, करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में ऑर्बिट्स लाइन से लग जाएंगी, सब एक के बाद एक ओवरलैप करेंगी, वहां पर बैंड बन जाएगा पूरा। अब वहां पर ये इलेक्ट्रॉन कोई भी काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा इन्फिनिटी पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी की लिमिट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी वहां पर कुछ भी हो सकती है,
समझ गए बात। तो अभी 13.6 से ज्यादा दोगे तो एनर्जी ले लेगा कोई भी, और कहां चला जाएगा? तो जब ये इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो इन्फिनिटी पर पहुंच गया है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एक और बात सुन लो, अच्छा सुनो सुनो एक और बात सुनो, इसी में पहले पॉइंट सुन लो, पहले खत्म कर लो इसको। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? अबे वैल्यू बताओ यहां पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन हटा देना भाई, 13.6 वोल्ट, ठीक है। इसमें और टर्म भी पूछता है, जैसे थर्ड टर्म फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन को उसकी फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाना कि सेकंड में? हाँ, तो अभी यहां पर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2 जाएगा। अच्छा, अगर कोई बोले कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, तो कहां से कहां आए? 2 से 3 यार, 1 से 3, 1 से 3। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी इज फ्रॉम क्वांटम स्टेट 1 टू क्वांटम स्टेट 3, और वो कितनी है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, बढ़िया। डरा का देते हैं भाई, तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा एग्जाम में, तुम टिक नहीं करोगे, फिर बगल वाले को झांकोगे क्या टिक कर रहा है, फिर वो इन्विजिलेटर आके एक थप्पड़ मारेगा, अच्छा लगेगा? इसलिए मैं बोल देता हूं पहले ही। हाँ बेटा, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ऐसे ही नहीं है। आपने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, इसलिए ये नेगेटिव है यहाँ पर, इसका यही मतलब है बस, ठीक है। 12.1 तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है भाई, बातें कर ले हो तो जल्दी शांति बनाए रखें, थोड़ा धीरे धीरे बातें करनी होती हैं। हाँ जी बोलो जी, हाँ बोलो, कहाँ से कहाँ? उसको आयनाइजेशन एनर्जी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर किसी ने कहा सवाल में ऐसे कि इलेक्ट्रो हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग आयनाइजेशन टेक्स दिस मच एनर्जी एंड इनिशियली इट वाज एट क्वांटम स्टेट 2, तो हम उसको वो बात को मान लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक मतलब तो ये होता है कि ग्राउंड स्टेट से है, लेकिन अगर उसने ऐसा सवाल में दे दिया तो फिर जो देगा वो मान के कर लेंगे, ठीक है ना। वन से टू में जाने के लिए जी, तो वो हाइपोथेटिकल एटम होगा, हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, वो कोई ऐसा एटम होगा जो हाइड्रोजन नहीं है, तो देने को तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो सवाल हाइड्रोजन के लिए नहीं होगी, वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। देखो, अच्छा देखो, एक आध सवाल छोटा समझो भैया, भाई ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, क्वांटम, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्वांटम स्टेट 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये क्वांटम स्टेट 1 एम्प्टी है। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, बाकी किसी में नहीं लगता है। यहाँ पर ये हीलियम एटम है, इसमें सिंगल, इसमें इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर है पता नहीं कहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम, ठीक है। हीलियम के बाद कौन है? ऐसे ही लिथियम भी है भैया, यहां पर ये हीलियम प्लस, ये लिथियम प्लस प्लस,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ना हो पाएगा? कुछ नहीं करना, यहां का भी यहां का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, ये मैं कर कह रहा हूं, मेरे को पता नहीं क्या चल रहा, ठीक है? सुनते रहना। नहीं नहीं ये तो ऊपर ही था ना यार, यहां ही था ये इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइटेशन प्रोसेस के थ्रू क्वांटम स्टेट 2 से क्वांटम स्टेट 1 में आएगा तो ये यहां पर एनर्जी को इमिट करेगा, और ये जो एनर्जी होगी एच न्यू की वैल्यू, अब आपको पता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, ठीक है? अब ये जो प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन यहां कहीं इससे इसने इंटरेक्ट किया हीलियम प्लस एटम से, हीलियम प्लस एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन ने क्या हुआ कि इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया और वो किसी और ऊपर वाली ऑर्बिट में चला गया। यही प्रोटॉन जब मैं यहां से जो निकलता था प्रोटॉन, अगर मैं लिथियम प्लस के पास भेज दूं तो लिथियम प्लस का भी इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करता है और किसी ऊपर वाली ऑर्बिट में जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टेट 2 से क्वांटम स्टेट 1 में लौटा था जब, तो उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? तो अभी इसने क्या किया कि ये प्रोटॉन किसने एब्जॉर्ब किया? हीलियम प्लस के एटम ने। हाँ जी, तो अभी आपको यह बताना है कि जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी और फाइनल स्टेट थी वो क्या है, और इसके डी एक्साइटेशन में, डी एक्साइटेशन में क्या होता है, डी एक्साइटेशन प्रोसेस में टोटल इमिटेड प्रोटॉन बताने, टोटल पॉसिबल इमिटेड फोटॉन्स बताने, कितने तरह के फोटॉन ये इमिट कर सकता है। सेम सवाल का जवाब लिथियम के लिए भी देना है, और आपके पास 30 सेकंड का समय, और कितने फोटॉन देगा? अबे 3 2 1 डी एक्साइटेशन प्रोसेस में भाई, 3 2 1 क्या होता है? 3 2 1 एक कब से होने लग गया यार, 3 2 1 तो 6 होता है शायद। जल्दी बताओ, मेरा सवाल समझ में आ गया सबको? ये प्रोटॉन हीलियम का एटम जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में जाता है, तो इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, और जब वो फाइनल स्टेट से वापस लौटेगा तो कितने तरह के संभावित फोटोनों को इमिट कर सकता है वो, ये भी बताना है। संभावित सारे बताने हैं, इनफिनिटी। और अगर हीलियम का हो गया हो तो लिथियम का बताओ, ना हो पाएगा? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है क्या? अच्छा देख लो भाई, बोर्ड पर इधर देखना ध्यान से। अभी देखिए हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आ रहा है 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ये एनर्जी ट्रांजिशन में आई ना 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से, तो ये एनर्जी निकली। अरे मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अब इसमें हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू क्या थी, तो यहां पर 1 स्क्वायर लिख के कोई मतलब नहीं। अगर आपने इसको किसी एक दूसरे एटम से कंपेयर किया जिसका जेड 1 नहीं है, तो हीलियम का जेड है 2, लिथियम का जेड है 3, तो जेड की कुछ वैल्यू आप बदल रहे हो जिससे आपके जो ऑर्बिट्स हैं वो बदल रही हैं। तो आप इसको लिखोगे 13.6 जेड स्क्वायर
वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ये से कंपेयर करना है ना आपको। अब हमने कहा यार इस वाली इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करो, तो यू कैन राइट इट 13.6 वन अपॉन एन वन बाई जेड स्क्वायर माइनस एन टू बाई जेड स्क्वायर, लिख सकते हो क्या? और आपको पता है इट मस्ट बी वन एंड इट मस्ट बी टू, और z की वैल्यू तो अभी n1 की वैल्यू आपने कहा z टाइम्स आ जाएगी और n2 की वैल्यू भी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ z आ जाएगी, अरे आ जाएगी। तो अगर कोई बोले कि हीलियम के लिए बताओ, हीलियम प्लस के लिए, तो आप बोलोगे n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4, तो इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में गया होगा। किसी ने कहा लिथियम प्लस प्लस के लिए बताओ z की वैल्यू, तो n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 6। अच्छा अभी लेकिन मैंने एक सवाल और भी तो पूछा था इसमें, क्या पूछा था? हाँ, अब ये हीलियम का अगर आपने कहा कि आए 3 × 6, तो अरे मेरे मेरी 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 बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अभी हीलियम के लिए ध्यान से देखना, 3 × 3 क्या कर रहे हो भाई, गरीबी से बाहर निकलो तुम लोग यार। ये क्वांटम स्टेट फाइनल है 4, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहां से इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब आपका आंसर आएगा 3 + 2 + 1, दैट इज 6। 6 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, सो इट कैन इमिट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मे इमिट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। अरे बेटा 4 से 2 तो गया है, यहां पर था इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया 4 पर, और जब लौटेगा डी एक्साइटेशन में 1 पर लौटेगा ना फाइनली, तो ये तो एक्साइटेशन प्रोसेस 2 पर था शुरू में रहा होगा, 4 पे, अब 4 पे दौड़ 2 पे दौड़ लौटेगा, हम वहीं से गए थे हम वहीं जाएंगे वापस, ऐसे थोड़ी चल रहा है यार, डी एक्साइटेशन में तो 1 पर आएगा, पक्की बात। तो अभी लिथियम के लिए बताओ 5, 4, 3, 2, 1, सही, ये बात समझ गए, रुक जाएं, रुक गए, एक सवाल करोगे करा दें, जानलेवा करा दें, चलो जानलेवा करो। तक तो नहीं गए तुम लोग, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको ट्राई कर लो। हाइड्रोजन एटम एट क्वांटम स्टेट 2n, कितनी क्वांटम स्टेट पर है? 2n, और जब ये 2n से क्वांटम स्टेट n पर जंप करता है, क्वांटम स्टेट 2n जब जाएगा तो इट एमिट्स अ फोटोन, ये एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉरी ये एनर्जी है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। दिस हाइड्रोजन एटम कैन इमिट मैक्सिमम 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन। मैं दोबारा से एक बार सवाल बता दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी क्वांटम स्टेट है 2n, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2n से n क्वांटम स्टेट में होता है तो इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो मैक्सिमम एनर्जी वो जो इमिट कर सकता है, वो एनर्जी कितनी है? 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइडेंटिफाई दैट हाइड्रोजन, लिख रहा
ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये हाइड्रोजन नहीं है भाई, ये हाइड्रोजन लाइक है। कौन है? हाइड्रोजन लाइक। तो आइडेंटिफाई द एटम, पहचान कौन? कौन सब? एक ही है, एक ही एटम है। हाँ, दिस हाइड्रोजन लाइक एटम। यार तुम यार पढ़े लिखे आदमी हो, और कहीं लिखा हाइड्रोजन भैया? बस ठीक है, 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से करना होगा। आइडेंटिफाई दी एटम, मुझे नहीं पता, हालांकि मैं हर साल ये सवाल कराता हूँ, हर साल भूल जाता हूँ। Z की वैल्यू 2 नहीं आ रही है भाई साहब। हाइड्रोजन लाइक एटम एट क्वांटम स्टेट 2n, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 2n टू n, जब ये इस स्टेट में जंप करता है तो वो एनर्जी फोटोन की आती है 40.8, और जब ये मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट कर सकता है वो है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समय समाप्त हो चुका है, इक्वेशन लिखिए। एग्जाम में भी ऐसे ही बैठे रहोगे? अगर सवाल अभी नहीं करोगे तो वहां कैसे करोगे? अबे एक ही फॉर्मूला तो है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एनर्जी है, जेड इज इक्वल टू 2 9। इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करना भी तो जरूरी है, मान लेके आओगे कि मास्टर से तुम खुद ही सॉल्व कर लियो? चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, देखिएगा। जेड की जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पंद्रह से ज्यादा आ रहा होगा थोड़ा। एन तो अननोन है ना, इसमें एन भी फाइंड करना है, दो अननोन है इसमें, एक जेड है और एक एन है, आपको जेड कॉमा एन दोनों की वैल्यू बतानी है। चलो चलो अभी इक्वेशन चेक कर लो, बाकी कैलकुलेशन कर लेना, बट इसको हो जाना चाहिए था। देखिए जब 2n से इलेक्ट्रॉन 1 में कूदेगा तो जो फोटोन निकलेगा यहां से इस प्रोसेस में, दैट इज गिवन एज 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे 13.6 जेड स्क्वायर 1 upon 4n square minus 1 upon 4n square। इसकी वैल्यू कितनी है? 204। ये बात में किसी को डाउट है? हाँ बोलो। क्वांटम स्टेट 2n पर है तो वहां से अपने आप ऊंचक के ऊपर चला जाएगा। अरे वहां से जब ऊपर जाएगा तो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो इमिट कर रहा है तो नीचे उतर रहा होगा। अभी ये फिर से देखो 13, अब मैं क्वांटम स्टेट 2n से n के लिए आपको दिया गया था 1 upon n square minus 1 upon 4n square is equal to 40.8। इन दोनों को डिवाइड करके पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड ही नहीं हो रहा भाई साहब, ये बड़ी समस्या है। तो अभी इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा भाग मुझे खुद करना पड़ेगा, 4n square से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4n square minus 1, और नीचे आ जाएगा 4 minus 1 is equal to 204 upon 40.8। सॉल्व करो और फिर इसमें ऐसा करना, n की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, तो z की वैल्यू वापस रख के निकालनी पड़ेगी। तो z की वैल्यू आप लोग चेक करिएगा, 4 आती है, n की वैल्यू 2, z की वैल्यू 4 आएगी। खैर 12 नंबर का सवाल था आईटी में, पहले जब सब्जेक्टिव आते थे यही। ये मजाक नहीं है, ये तुम लोगों से कहाँ हुआ? वो तो कुछ तो टाइम भी तो वहां और कम, वहां तो और भी टेंशन रहता है। ठीक है कोई बात नहीं, अरे ऐसे आते ना उसमें दो चार चीजें और पूछ लेते हैं, वो दो दो तीन तीन नंबर के पटक देते हैं,
पता नहीं पहले आया था, लेकिन आईआईटी का सवाल है। जब सब्जेक्टिव आते थे दो तीन सवाल तो करने होते थे उसमें ऐसे। अभी जैसे मैं इसमें आपसे जेड और एन के अलावा ये भी पूछ लूं कि भैया वो बताओ इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटम, तो आप बता ही दोगे, मुश्किल थोड़ी है आपके लिए। ठीक है चलो, वो घंटी बजा बजा के परेशान है। अब वो मॉडर्न की शीट मिल गई क्या? मिल गई तो उसके कुछ सवाल लगाओ लगाओ।